मैं डॉक्टर निशांत गुप्ता, साईं सुधा हॉस्पिटल बरेली से। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीटीवी के बारे में। सीटीईवी यानी कंजनाइटल टेलिपस इक्वाइनोवायरस, जिसको आम भाषा में लोग ग्रहण के पैर भी बोलते हैं। ये बच्चे को बचपन में गर्भ से ही शुरू हो जाता है और इसका पता हम गर्भ में लगा सकते हैं। टिफा स्कैन के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। अगर बच्चे के पैर पीछे की तरफ होते हैं तो टिफा स्कैन में इसका पता नहीं लग पाता है, तो फिर इसका पता डिलीवरी के बाद ही लग पाता है। और हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कब शुरू करना चाहिए, कितना जल्दी शुरू करना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम और बात करेंगे। जैसे कि बच्चे की डिलीवरी अगर नॉर्मल हुई है, बच्चा स्वस्थ है, माँ के पास है, तो तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चा अगर NICU में एडमिट है 4-5 दिन के लिए और अभी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता, उस केस में हम उसकी माँ को बोलते हैं मैनिपुलेशन करने के लिए उसके पैर का, और एक डॉक्टर से पूछ के उसकी माँ उसके पैर का मैनिपुलेशन कर सकती है ताकि उसका पैर नरम रहे। जब तक कि वो डॉक्टर के पास बच्चा पहुँच पाता है, तब तक उसका पैर नरम रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब बच्चा डॉक्टर के पास पहुँचता है, उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। बच्चे के पैर अंदर की तरफ, नीचे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। आम भाषा में लोग बोलते हैं कि अंदर की तरफ पैर मुड़े हुए हैं बच्चे के, लेकिन ये बीमारी बिल्कुल 100% इसका इलाज है। इसका इलाज हम करते हैं पॉन्सेटीज टेक्निक से, जिसमें हम बच्चे को लगातार हर हफ्ते में एक कास्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ टेंडन्स रिलीज करते हैं आफ्टर द प्रोसीजर। 8 से 10 कास्ट में बच्चे का पैर लगभग सीधा हो जाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चा सही टाइम पर डॉक्टर के पास आ जाए पैदा होने के तुरंत बाद। अगर बच्चा 1-2 साल तक ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, देन ऐसे केसेस में हम इसको बोलते हैं निग्लेक्टेड CTEV, जिसमें कि हम कास्ट के द्वारा बच्चे का पैर ठीक नहीं कर सकते और फिर हमें ऑपरेशन की सहायता लेनी पड़ती है। धन्यवाद।